बाइक मेरी यहाँ पे अटक गई है, वहाँ से आर्मी पर आदमी आ रहे हैं। बड़ा ही सकड़ा रास्ता है भाई साहब। वो चढ़ाई देख रहे हो? अरे बाप रे, 6620। हाँ भाई, ऐसा डर लग रहा कहीं मैं पाकिस्तान में तो नहीं एंटर कर गया, एंटर कर जाऊँ पाकिस्तान में गलती से। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। और व्यू देखो, तो फिलहाल अभी मैं हूँ कारगिल में। कारगिल एक छोटा सा शहर है और कारगिल बहुत ही छोटा सा शहर होते हुए बहुत ज़्यादा फेमस शहर है। कारगिल वॉर मेमोरियल भी जो हमने कल देखा, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग है इसको देखकर। कारगिल बेसिकली क्या है, 75% मुस्लिमों का एरिया है यहाँ पे। अभी 17% यहाँ पे बुद्धिज़्म है, 7% अराउंड यहाँ पे हिंदू है, बाकी अदर रिलीजन है। और आज जो मैं निकलने वाला हूँ, आज दो जगह निकलने वाला हूँ, एक तो हुंडरमान विलेज है और एक नया लोकेशन खुली है इसी हफ्ते, पिछले एक हफ्ते में। मतलब वो लोकेशन कभी आज तक खुली नहीं थी, तो आप भी टूरिस्ट के लिए पिछले एक हफ्ते से खुली, तो आज वो लोकेशन पे भी जाएंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे लेह के लिए। तो टाइम कम है और जाना बहुत सारी जगह है, आई एम सो एक्साइटेड। और टाइम अराइव सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। कारगिल से पहले जाना है हुंडरमान विलेज की तरफ, फिर वापस मुझे यहाँ कारगिल आना है, फिर मुबेक मॉनेस्ट्री नामिला पास होते हुए ये सारा कवर करते हुए मूनलैंड मॉनेस्ट्री, फिर लमायरू मॉनेस्ट्री जो कि फर्स्ट मॉनेस्ट्री इन लद्दाख, लद्दाख की फर्स्ट मॉनेस्ट्री है, तो यहाँ पे जाएंगे। फिर खलसी, फिर मेमोरियल स्टोपा होते हुए मैग्नेटिक हिल होते हुए हम ले पहुँचेंगे। तो दिस इज़ ऑल माई टूडेज प्लान और देखते हैं इसमें से आज क्या क्या कैसे चीज़ें कवर होती है। सबसे पहले यहाँ से हम निकलेंगे, पॉइंट 13620 योमा नाम है उस जगह का, और पूछते पूछते जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता उस लोकेशन के बारे में। एक बार मैप पे लगा के देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए। तो फाइनली हम निकल गए पॉइंट 13620 योमा के लिए। ओ भाई, ठंड लग रही है बाइक पे। जहाँ हम जा रहे हो 13620 फीट की ऊंचाई पे है और सिर्फ एक टी शर्ट पहन के आया हूँ, मुझे बड़ी ठंड लग रही है भाई, ठंड। ऊपर पहाड़ पे देखिए भाई साहब, बादल ऊपर, तो मौसम गड़बड़ चल रहा है, क्या किया जाए, जाया जाए कि नहीं जाया जाए। तो अभी हल्की हल्की बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है और बूंद बूंद पड़ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। पॉइंट 13620 22 किलोमीटर, दिख तो रहा है, दिख गया फाइनली, मतलब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। पॉइंट 13620। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको एक नई लोकेशन दिखा रहा हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है, आपको पूरे यूट्यूब में भी कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा पहला वीडियो होगा जो इस पॉइंट पे आएगा। बहुत ज़्यादा स्टीप है ये, आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन सच में बहुत स्टीप है। पता नहीं ये कितना किलोमीटर है क्योंकि गूगल भी कन्फ्यूज़ हो गया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई साहब, तू कौन से रास्ते में जा रहा है, कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, बस मैं जाए जा रहा हूँ, जहाँ तक रास्ता जा रहा है मैं वहाँ तक जाऊँगा। मैं ऐसा डर लग रहा कहीं मैं पाकिस्तान में तो नहीं एंटर कर गया, एंटर कर जाऊँ पाकिस्तान में गलती से। भाई साहब, पाकिस्तान में तो मेरा खून कर देंगे, मैंने मूवी देखी है सरबजीत भाई साहब, जिस तरह से वो टॉर्चर करते हैं ना, मैं उतना टॉर्चर नहीं सह पाऊँगा। थोड़ा सा और रह गया है, 2.7 किलोमीटर, थोड़ा सा और, बस भगवान हो जाए, करा दो करा दो, आई थिंक वही होगा, पता नहीं वो है कि कुछ और है। ठंडा तो नहीं दिख रहा, पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगा ना वहाँ पे, नहीं, फिर कहाँ है, वही लग रहा है, वही ऐसा क्यों लग रहा है, वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाले ऐसे तो नहीं रहेंगे। ओके, और सामने जो दिख रहा है आई थिंक वही पॉइंट 13620 है। ये एडवेंचर जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। स्टॉप,
13620 6620 क्या अभी तो कल ही तो आए थे। तो यहाँ पे पीछे कुछ एंट्री होती है तो वो एंट्री करा लिया है और यहाँ से थोड़ा ऑफ रोड है तो बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। थोड़ा सा बचा है 1.5 किलोमीटर के करीब करीब। ओके वाह जय बजरंगबली जय बजरंगबली। बड़ा ही सकड़ा रास्ता है भाई साहब। वो चढ़ाई देख रहे हो? अरे बाप रे चढ़ जाएगी, मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। हो गया बस थोड़ा सा और भाई थोड़ा सा और कर ले। होमी तू कर सकता है, होमी यू कैन डू इट। हो यस बजरंगबली यस। पटरी है बहुत बुरी। अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही खड़ी चढ़ाई है, कैसे करूँगा मैं। अबे यार ओ शिट, अटकना नहीं चाहता। कैसे भेज दिया मुझे लॉटरी वालों ने। ओह शिट नहीं हो पा रहा था, नहीं जा पाऊंगा मैं। बहुत मुश्किल है यार। अभी चढ़ा तो लिया है, अभी टेंशन है उतारूंगा कैसे यहां से। फंस गया मैं। फंस गई है बाइक। बाइक मेरी यहाँ पे अटक गई है, वहाँ से आर्मी पर आदमी आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा नीचे मिट्टी है, हालत ख़राब है भाई। रास्ता सही होता ना तो एक बार को मैं चढ़ा भी देता, बट रास्ता ही बहुत ख़राब है। शिट मैन अब तो डर लग रहा है, कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक। थैंक यू सर। अरे यहाँ पे वो मिट्टी है बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं तो आगे बढ़ नहीं पा रही है, और फिर बाइक को यहाँ से वहाँ तक लेके जाना है बहुत डिफिकल्ट टास्क है, थोड़ा हैवी बाइक है तो वही। हाँ
तरफ चली जाएगी। हाँ थैंक यू सर, वो देख रहे हो वहाँ पे कितनी मिट्टी थी, इसीलिए लेके जाओ, ऊपर तो नहीं अटकेगी। मैं सोच रहा हूँ यहीं से पैदल चल जाऊँ। Shit man, मैन बस यहीं पे घुमा लेता हूँ मैं। सर बहुत मेहनत हो गई ना आप लोगों को। टारमैक रोड होता तो फिर बाइक आराम चढ़ जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। पता क्या, वेट बहुत है। हाँ इतनी उठा नहीं रहा है। तो दोस्तों नहीं पहुंच पाया, छोड़ दिया मैंने, तो करा था ये। तो फाइनली मैं पहुंच चुका पॉइंट 1320 योमा। हाँ यस पहुंच गया मैं 13620 योमा। इंडियन नेशनल फ्लैग लहरा रहा है पूरे जोर शोर में। ये ऊपर चलते हैं सर। यहाँ पे ये किन के लोगों का नेम है, मतलब ये लोग 65 और 71 में जिन्होंने लड़ाई में बलिदान दिया उनके नाम है। अच्छा जी, इस लोकेशन में। ठीक है, और यहाँ से पूरा नीचे कारगिल शहर दिखता है। पॉइंट 13620 इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इन कारगिल। तो यहाँ सर लेह श्रीनगर हाईवे दिखता है जी, ये है नेशनल हाईवे नीचे। अच्छा ये ठीक है, तो यहाँ से ये श्रीनगर ले हाईवे पर नज़र रखने के लिए। 20 नवंबर 1948 में ये हाँ इंडिया ने इसको कैप्चर किया था, लेकिन उसके बाद सीज़फ़ायर हो गया तो ये पोस्ट इनके कैप्चर में रह गई पाकिस्तान के अंडर। हम वहाँ तक ही सीमित रह गए थे। हाँ वो जो कश्मीर वाला मुद्दा था उसके कारण नहीं हुआ था ना, उसी कारण हुआ जम्मू कश्मीर के लिए। उन्होंने क्या किया कि मोदी जो उन्होंने उधर वारने इधर श्रीनगर में चलने शुरू हो गए थे, तो ये इन्होंने पूरा एरिया पाकिस्तानी अकुबाई करने, जब हरी सिंह महाराजा हरी सिंह का राज था उस टाइम। हाँ तो उन्होंने बोला था कि ये तो इंडिपेंडेंट है ना इंडिया का, ना किसी के साइड नहीं रहेंगे, तो इसको कैप्चर करते हैं तो हमारे साथ आ जाएगा। हाँ तो पाकिस्तान उन्होंने हरी सिंह ने उससे जवाहरलाल नेहरू से करा लिया था ये कि मैं आपका साथ हो जाऊंगा, आप मेरा साथ जोड़ दो। अच्छा तो फिर ये फिर हम आप लोगों ने कब रिकैप्चर हुआ था ये, फिर रिकैप्चर कब हुआ ये उसके बाद? थैंक यू सर। हुआ ना 65 में। थैंक यू सो मच। फर्स्ट बार हुआ इसको कैप्चर किया था 1965 में, मतलब 48 से 65 तक पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान के नहीं नहीं 71 तक पाकिस्तान के पास रहा, फिर उसके बाद 65 में फिर कैप्चर किया था, फिर उनको दे दिया। उसके बाद दोबारा से फिर 65 में कैप्चर किया, फिर उनको दे दिया, फिर 71 में कैप्चर किया, लेकिन फिर नहीं दिया। वो साइन हो गया था ना, एक एग्रीमेंट साइन हो गया था, ताशकंद समझौता हुआ। हाँ अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है सर, ठीक है सर, चलो। हाँ सर ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, अभी जो टेंशन है नीचे उतारना भी। नहीं नीचे आप जल्दी चले जाओ, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से आना ना, ब्रेक कम लगाना, ब्रेक कोशिश करना धीरे जाने की, ब्रेक कम लगाना फिर नीचे। और हिल की तरफ रखना मत। हां हां ठीक है, नीचे की तरफ नहीं हिल की तरफ जाना। तो फाइनली अचीव हो गया पॉइंट 13620 और मौसम बहुत खराब हो गया है और पूरे बादल आ चुके हैं अगल बगल, दिख रहा है ये सारा पूरा बादल है। और अभी निकलना है वापस नीचे, देखते हैं क्या होगा, मुझे नहीं पता।
कैसे जाएंगे कुछ नहीं पता, कैसे पहुंचेंगे कुछ नहीं पता, बट आई एम सो हैप्पी कि मैं ये अचीव कर पाया अपने बाइक से। यस, जय बजरंगबली, बहुत मदद किया आपने, आगे सोल्जर्स ने बहुत मदद किया, चाय पिलाया मुझे, बाइक को किनारे करवाया, एक बार फिसल के गिर गया था मैं, उठवाई बाइक को। हाँ यस, पड़ी है अपनी बाइक, वो पार्किंग है, यहाँ से थोड़ा ऊपर चल के जाना पड़ता है, तो बारिश भी हो रही है, थोड़ा स्लिप होगा, संभाल के चलना पड़ेगा। एक बार टारमैक रोड आ जाएगा ना फिर दिक्कत नहीं है, जब तक टारमैक रोड नहीं आता है दिक्कत होगी इस हैवी बाइक को उतारने में, कि कुछ भी होगा तो फोर्स वाले हैं मेरे साथ हैं, भले मैं अकेले हूँ तो क्या हुआ, फाइनली अचीव द अनअचीवेबल। पॉइंट 13620 जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रीनगर लेह हाईवे पर नज़र रखने के लिए ये पॉइंट बनाया गया था। पाकिस्तान ने इसे 1947-1948 के बीच में इलीगली कैप्चर कर लिया था, तो 1947 से लेकर 14 मई 1965 तक ये पाकिस्तान के पास में था। 15 मई को एक मेजर और चार राजपूतों ने मिलकर इस जगह को वापस से कैप्चर कर लिया पाकिस्तान से, पर यूनान के हस्तक्षेप के कारण इसे वापस से पाकिस्तान को देना पड़ गया। उसी साल 15 अगस्त 1965 में ही कुछ पंजाब रेजिमेंट के लोगों ने इसे दोबारा से कैप्चर कर लिया पाकिस्तान से, इंडिया को इंडिपेंडेंस डे की गिफ्ट देने के लिए, बट टास्किन एग्रीमेंट के तहत इसको वापस से पाकिस्तान को देना पड़ गया। फिर उसके बाद 1971 तक ये जगह पाकिस्तान के पास में थी, और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में ये जगह इंडिया वालों ने वापस से कैप्चर कर लिया, और 9 दिसंबर तक इस जगह पूरा अपना बेस पॉइंट बना लिया, और तब से लेकर अब तक ये पूरा का पूरा जगह इंडिया के पास में ही है। फाइनली अभी नीचे उतर के आ गया थोड़ा, और अभी एक नई दिक्कत आ गई है, आई थिंक बाइक का क्लच जो है वो फूक गया है, ये देखा। हाँ